नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी कभी राजनीति से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, और आजकल राजस्थान की राजनीति बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सभी का ध्यान राजस्थान पर है और वजह है मैडम वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, जिनके लिए ये कहा जाता था कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो अच्छे अच्छे अधिकारी और मंत्री भी उनके सामने नहीं बोलते थे। ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर भी वसुंधरा राजे के सामने नहीं चलता था। वो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखती है, और वसुंधरा राजे अब अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए मैदान में उतर चुकी है। आपको याद होगा कि केंद्रीय कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई, राजस्थान से तीन मंत्रियों को लिया गया, लेकिन दुष्यंत सिंह का नाम नहीं सामने आया, जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि दुष्यंत सिंह को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसी बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम है, उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है, और मुलाकात की ये तस्वीरें अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे का केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के बाद दिल्ली पहुंचना, दिल्ली दौड़ लगाना और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करना, ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है कि दोनों ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने नकार दिया था और दोबारा से सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाया। वसुंधरा राजे अब अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए लॉबिंग करना शुरू कर चुकी हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि वसुंधरा राजे अब अपने और अपने बेटे की सियासी भूमिका तलाश करने में जुट गई हैं, और इसी वजह से लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नजर न आने वाली राजे अचानक से दिल्ली पहुंच जाती हैं जब कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली, और अपने पुराने रिश्तों को खंगालने में जुटी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान से उनकी पुरानी मित्रता है, ये समकालीन मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे में राजे का दिल्ली पहुंचना, उनसे मुलाकात करना कई तरह के सियासी संकेत दे रहा है। सबसे पहले अब आपको बताते हैं, वसुंधरा राजे ने एक सोशल मीडिया पर जब तस्वीर शेयर की इस मुलाकात की तो उन्होंने क्या कुछ लिखा, और इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि सियासी सयाने इस तस्वीर को लेकर क्या कह रहे हैं, क्यों इतनी इस तस्वीर पर चर्चा हो रही है। वसुंधरा राजे ने लिखा, आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर विभिन्न संबंधित विषयों पर बात हुई, और वहीं शिवराज की तरफ से भी एक्स सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। आपको बता दें, इस तस्वीर को शिवराज सिंह चौहान के ऑफिस की तरफ से भी रिपोस्ट किया गया, और अब ये सियासी तस्वीर क्या संकेत दे रही है वो भी आपको बताते हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का मिलना, ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब बीजेपी ने उन्हें पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। राजे के सांसद बेटे हैं दुष्यंत राजे, जिन्हें मंत्री ना बनाने को लेकर इस वक्त राजस्थान में कई सियासी हलचले मची हुई हैं, क्योंकि दुष्यंत राजे का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरें आई कि वसुंधरा राजे गुस्से में हैं और इसीलिए वो दिल्ली भी पहुंची है, शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि मोदी के 3.0 कैबिनेट में वसुंधरा राजे को भी जगह मिलने की उम्मीदें थी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को मना सके, लेकिन ये भी नहीं हुआ, जिसके बाद अब वो दिल्ली पहुंची है। देखना होगा कि दिल्ली में इस मुलाकात को लेकर क्या खबर सामने आती है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे ऐसे चेहरों से मुलाकात कर रही हैं जो जिनसे उनके रिश्ते अच्छे थे, और आगे वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एक पिच तैयार कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे का दिल्ली पहुंचना उनके और उनके बेटे की राजनीति को चमका पाएगा? क्या वसुंधरा राजे को एक और मौका प्रधानमंत्री देंगे? इसके अलावा क्या आपको लगता है कि दिल्ली भ्रमण करना वसुंधरा राजे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खबर लगी कि इस तरीके से मुलाकात कर लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री इस बात से खफा नजर आ सकते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।